कोरोना की दूसरी लहर तबाही के खदशात, 26 नवंबर से 10 जनवरी तक शहर के तमाम तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दिसंबर के इम्तिहानात भी मुलतवी, 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। जनवरी के पहले हफ्ते में रिव्यू सेशन होगा। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। पहली से आठवीं जमात के इम्तिहानात मार्च, 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई या अप्रैल में होंगे। रवायती काम नहीं चलेगा। होमवर्क मुकम्मल करने वाले तलबा को अगली क्लास में प्रमोशन के लिए 50% नंबर मिलेंगे। वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं, छुट्टियों के नोटिफिकेशन में बच्चों के मॉल्स, मार्केट्स और पार्क्स जाने पर पाबंदी का भी जिक्र होना चाहिए। उधर प्राइवेट स्कूल मालिकान ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया, माइक्रो लॉकडाउन के ऑप्शन की तजवीज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों की बंदिश और आइंदा के लाहे अमल पर इजलास। इरम बुखारी की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को दिसंबर के इम्तिहानात का शेड्यूल जनवरी के वक्त से तैयार करने की हिदायत। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी, इंतजामिया मुतहरिक। 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट अस्पताल फाल करने का फैसला। डीसी ने एक्सपो सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया। फील्ड अस्पताल में 280 मरीजों के लिए फौरी ऑक्सीजन दस्तयाब होगी। महकमा सेहत का वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। 9 अरब रुपए खर्च होंगे। इब्तदाई तशखीस के लिए पंजाब भर में पब्लिक हेल्थ तशखीसी लैब्स भी बनाई जाएंगी। पंजाब काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी, यावर अब्बास बुखारी, गजीन अब्बास मुसरत, जमशेद चीमा की शमूलियत मुतवक्के। बिशारत साजा से वापस ली गई वजारतों पर नए नामों का ऐलान होगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर, 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 138 रुपए इजाफा मुतवक्के। चंद रोज तक 20 किलो बैग की कीमत 988 रुपए होने का इम्कान। गंदम के इजरा की कीमत 1725 रुपए करने की तजवीज़ के बायस आटा महंगा होगा, जबकि गंदम की सरकारी कीमत 1650 होने का, हुकूमत को 80 अरब सब्सिडी देना होगी। 500 की खरीदारी पर सिर्फ 1 किलो चीनी, 2 पैकेट से ज्यादा चीनी मांगने वालों को साफ इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान तो खत्म, मगर खरीदना फिर भी मुश्किल। 1000 रुपए की खरीदारी पर सिर्फ 2 किलो चीनी दी जा रही है, जबकि सस्ते घी और ऑयल की किल्लत ताहाल बरकरार। दाले भी यूटिलिटी स्टोर से गायब, खरीदार वापस लौटने लगे। सोहना लाहौर मुहिम की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट बेहंगम ट्रैफिक। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर कागजों तक महदूद। शहर में 11 पार्किंग प्लाजे गुजश्ता 3 साल से इल्तवा का शिकार। नया वर्किंग पेपर तैयार होने पर तखमीना लागत 3 अरब से 10 अरब हो गया। पार्किंग प्लाजे दाता दरबार, शेरावाला गेट, हॉल रोड और टाउन हॉल के मकाम पर बनाए जाएंगे। एलडीए और नेस्पाकी मॉल रोड पर जेर जमीन वहीकलर, टनल और अंडरपासेस के ऑप्शंस का तखमीना लागत तैयार कर लिया। वहीकलर टनल पर फी किलोमीटर 30 अरब, जबकि मजमू लागत 2 खरब 60 अरब का तखमीना लगाया गया है। लेस्को में 82 एसटीओ की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती, जनरल मैनेजर टेक्निकल मोइनुद्दीन की सरबराही में इंटरव्यू पैनल तश्कील। कंपनी ने 410 उम्मीदवारों को कॉल कर लिया। 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक इंटरव्यूज होंगे। महकमा माहौलियात लाहौर की कार्रवाई, पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर बशीर दारुल माही, कजाफी स्टेडियम, ब्रांच सी। लाहौर हाईकोर्ट ने पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस का ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। ई चालान की सेंचुरी मुकम्मल करने वाली गाड़ी पकड़ ली। 105 मरतबा ई चालान पर गाड़ी के मालिक को 50,500 का जुर्माना आयद। गाड़ी मजंग थाने बंद कर दी गई। सुंदर में KFC पर 10 लाख का डाका, मुलजमान ने असले के जोर पर अमले को यरगमाल बनाया, कैश लूटा और चलते बने। मैनेजर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करने का मामला, हाईकोर्ट ने FPR के शुगर मिल्स को भिजवाए गए नोटिस मुअत्तल कर दिए। विफाक FPR चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से जवाब तलब।
बेगम शमीम की नमाज जनाजा लंदन में अदा, जिसके जुमेरात या जुम्मे को लाहौर पहुँचेगा। जाति अमदा में तकसीम की तैयारियाँ, मियां शरीफ के पहलू में तकसीम होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल पर देहाती ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त। पार्टी की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल, सिक्योरिटी के इंतजाम करना है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने नून लीग से प्लान मांग लिया। जाति उमरा में बेगम शमीम की ताजियत का सिलसिला जारी। सुहेल ज़ियाबट, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आसिफ करमानी आए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में भी दुख का समा। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज, हाफिज नुमान, जिशान रफी ने दुख बांटा। ख्वाजा अहमद हसन, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, मियाँ तारिक, सैयद तौसीफ शाह और दीगर का इजहार अफसोस। जिला अस्पताल ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह सूबाई वजीर लिया महमूद रशीद और मुराद रास ने इफ्तिताह किया। ओवरहेड ब्रिज की तामीर से रोजाना सैकड़ों लोग मुस्तफीद होंगे। एंटी करप्शन गिलगित बल्तिस्तान के दो रुकनी वफ़द का दौरा लाहौर। डीजी एंटी करप्शन और हेडक्वार्टर्स के दीगर अफसरान से मुलाकात, महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के वफ़द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां तारिक मिस्बान, आसिर अमीर खान और ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। डॉक्टर इसहाक मियां ने कहा कि डिस्पेंसर्स के लाइसेंस और दीगर मुश्किलात का बताया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां उरूज पकड़ गईं। गुलबर्ग में अरकान के एजाज में तकरीब। साबिक सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मियां जहांगीर का एमआर अवान, राय नवाज खरल और सरदार नबी अहमद की हिमायत का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल में महफिल मिलाद, पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने अहतमाम किया। तनवीर भट्टी, अरशद वत्, राना तनवीर, तनवीर वत्, हाफिज सजाद और दीगर की शिरकत। और नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, आमिर केबल्स ने पंजाब ग्रीन को 100 रन से हरा दिया। आमिर केबल्स की टीम रीजनल ग्राउंड के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।